कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के निर्मम तरीके से रेप और हत्या के बाद डॉक्टर सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इस घटना के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शुभांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जंतर मंतर से, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो मौजूद हैं उनकी क्या चिंताएँ हैं, क्या वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि अभी जो मामला है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इसको सीबीआई यहां पर देख रही है और लगातार इस सिलसिले में जांच जो है वो तेज़ी से आगे भी बढ़ रही है, पूछताछ भी यहां पर जो है वो हो रही है। और जैसे कि हमारे सहयोगी मुकेश भी यहां पर बता रहे थे कि वो जो बड़े सवाल इस घटना के बाद खड़े हुए थे कि आखिर पोस्टमार्टम करने में देरी जो है यहाँ पर क्यों की गई थी, तो इसको लेकर वहाँ पर पुलिस ने जो सीबीआई को जानकारी दी है उसमें ये बताया गया कि जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद डॉक्टर्स के दो गुट जो है वो इसको लेकर नाराज़ थे और उनकी अपनी मांगे थीं कि पोस्टमार्टम जो है वो अस्पताल आरजीकर में ही किया जाए या फिर इसके बाहर किया जाए, और इस वजह से वहाँ पर जो है वो देरी हुई पोस्टमार्टम करने में। तो ये पुलिस की तरफ से सीबीआई को यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा जो आरोपी है उसका टेस्ट जो है वो किया गया लाई डिटेक्टर टेस्ट एक तरह से, उसके अलावा कई और जो लोग जिन पर शक है उनका भी जो है वो किया गया है। तो सीबीआई तेज़ी से इस मामले को देख रही ही है और जिस तरह गुस्सा लोगों में दिखा था इस मामले को लेकर, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब यहाँ पर जो है वो मिलने हैं, सबको उसका इंतज़ार है। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स को लेकर, डॉक्टर्स के मन में इस मामले के बाद से और जो चिंताएं हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम कदम यहां पर उठाए जाने चाहिए, उसी को लेकर दिल्ली में आज ये प्रदर्शन भी हो रहा है। शुभांग हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है डॉक्टर्स का, क्या इनकी चिंताएँ हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक बार फिर से सड़क पर आकर उतर गए हैं। हालांकि ये सिर्फ आज के लिए एक मार्च, यहाँ पर एक प्रोटेस्ट बुलाया गया था जंतर मंतर पर। फिलहाल जंतर मंतर पर कुछ डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नरेश चावला है। जी मैम, जानना चाहते हैं आपकी, अब पहले भी हमने देखा था दो मांगे खास आपकी थी, कि इस बार आपकी क्या मांगे हैं जब आप एक बार दोबारा उतरे हैं? देखिए, आज का प्रोटेस्ट फाइमा ने किया है, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स की ऑल अक्रॉस इंडिया की एसोसिएशन है। हम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली मेडिकल काउंसिल से आए हैं और हमारा उद्देश्य एक ही है कि आपने जो कोलकाता में हुआ है वो तो एक रेप और मर्डर जो हुआ है वो अलग है, सो है जो डॉक्टर्स की वर्किंग कंडीशंस हैं। एक रेजिडेंट डॉक्टर किसी भी अस्पताल का ढांचा होता है, वो खांचा होता है। उन रेजिडेंट डॉक्टर्स से जिस तरीके से काम कराया जाता है, एक तो उनकी लंबे ड्यूटी आवर्स हैं, 36 घंटे काम लगातार कर रहे हैं, पूरे हफ्ते में 90 घंटे काम कर रहे हैं, फिर उनकी वर्किंग कंडीशंस, ना बैठने की जगह है, ना रेस्ट रूम है, ना प्रॉपर ड्यूटी रूम है। जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑलमोस्ट निल है। दूर दूर तक वार्ड्स में जाना होता है, रात को 2 बजे कॉल आ गई, 3 बजे कॉल आ गई। अब सोच के देखिए, ये डॉक्टर कोई कैटल नहीं है, ये डॉक्टर्स देश का भविष्य हैं और देश की स्वास्थ्य प्रणाली को चलाते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है, इनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दी जाएं। जी, डॉक्टर साहब का नाम? आरम छाबरा। ये बताइए कि अभी भी वही दो मांगे आपकी खास है, एक CHPA को लेकर के और साथ ही साथ जो डॉक्टर को न्याय दिलाना चाहिए था उसको लेकर के? हमारी वही दो डिमांडें हैं, एक तो ये है कि इसको जस्टिस मिला जाए, सेकेंडली उन पनिशमेंट इतना दिया जाए लोग डर जाएं कि इसको दोबारा करने की कोशिश नहीं करें, और दूसरा हमारे को वर्किंग कंडीशन अच्छी की जाए और हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को जब बताया गया था कि प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी, तब जो स्ट्राइक थी उसे एंड किया गया था, और जाहिर तौर पर वो जो स्ट्राइक थी, देखिए वो 11 दिन चली थी जब आप डॉक्टर सभी सड़क पर आ गए थे। अब फिलहाल ये कितनी बार आप सड़कों पर अभी उतरेंगे? अभी जब तक न्याय नहीं मिला करना पड़ेगा बार बार, हमें मजबूर किया जा रहा है दौरा करने में। लेकिन क्या अब OPD सर्विसेज को फिर से बंद करने का कोई निर्णय आप ले सकते हैं? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो हमारी एसोसिएशन जो डिसीजन लेगी वही मान्य होगा। देखिए यहाँ पर आपने साफ तौर पर सुना कि डॉक्टर्स की वही खास दो डिमांड्स यहाँ पर अभी है, एक CHPA को लेकर के क्योंकि एक प्रोटेक्शन एक्ट की वो लगातार मांग कर रहे हैं, दूसरा जो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ में वारदात घटी थी, रेप के बाद उनका मर्डर किया गया था, उसको लेकर के अभी भी CBI लगातार जांच कर रही है संदीप घोष के साथ, और उसके बावजूद अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर के डॉक्टर्स का ये मानना है कि वो सड़कों पर बार बार उतरेंगे, क्योंकि ये दो ऐसी खास अहम मांगे उनकी है जिसको लेकर के उन्हें बार बार सड़कों पर आना पड़ेगा। जी देखिए, जैसे ये मैंने पूछा कि अगर OPD सर्विस को फिर से बंद किया जा सकता है या नहीं, लेकिन उसके लिए फिलहाल अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने
11 दिन की इनकी जो डॉक्टर्स का पहले प्रोटेस्ट मार्च देखा गया था, लगातार जो ओपीडी सेवाएं थी वो बंद कर दी थी, स्ट्राइक बहुत लंबा चल रहा था। चलिए, थोड़ी चिंताएं हैं यहाँ पर डॉक्टर्स के मन में, शुभांग, जिसको लेकर यहाँ पर जाहिर तौर पर अपनी बात रखने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रोटेक्शन एक्ट है और जो वर्किंग कंडीशंस हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की, इसकी चर्चा इस मामले के बाद से खासतौर पर काफ़ी हुई कि किन हालातों में वो अपनी ड्यूटी जो है वो करते हैं अस्पतालों में। बहुत शुक्रिया शुभांग आपका इस सब जानकारी के लिए।